वेलकम बैक टू अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग जो किस टाइप से मटेरियल टैब लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये है टैब लेआउट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट है, पॉपुलर है, प्रीमियम है, ठीक है। और ये जो टैब लेआउट है, टैब लेआउट के नीचे अगर आप देख सकते हैं तो इधर में कॉर्नर है, ठीक है। अगर नॉर्मल टैब लेआउट में इस तरीके का नहीं होता है, मटेरियल टैब लेआउट में जो है होता है। और प्लस में इसका जो है हम लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्केचवेयर में, और मटेरियल पर मैंने एक और वीडियो बनाया था और सेम कोड से हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टैब और क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं। क्रिएट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक लीनियर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे टैब ले लेते हैं, ठीक है। और एक और लीनियर ले लेते हैं ताकि जो है इसका कलर जो है अच्छा से मैच हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 10% जो है हाइट है, ठीक है। 10 dp कर देता हूँ हाइट। और इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, इसका भी बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और जो है इस लीनियर का भी बैकग्राउंड वाइट, ताकि मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो है टूल बार को हाइड कर देंगे हम। यहाँ से टूल बार को करते हैं हाइड, हो गया। उसके बाद चलेंगे ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम लोग जितना टैब चाहे उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रोलेबल भी हो जाएगा, तो हम यहाँ से 3 टैब लेने वाले ले रहे हैं, 3 टैब, ठीक है। टैब लेआउट को बस आप लोग सेलेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से टैब लेआउट को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टैब 1, टैब 2, टैब 2, टैब 3, ठीक है। और यहाँ से चलिए यहाँ से यहाँ इसको इस ब्लॉक को ले लेंगे, टेक्स्ट कलर को, ठीक है। टेक्स्ट रिपल को ले लेंगे, प्लस में सेलेक्टेड इंडिकेटर को ले लेंगे, ठीक है। तो इतना लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पहले सब में टैब लेआउट को, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कलर में हम क्या कर देंगे, ग्रे कलर को दे देंगे नॉर्मल, ठीक है। और जो है सेलेक्टेड कलर को जो चाहे आप दे सकते हैं, मतलब जो ऐसा भी चाहे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिपल कलर में रेड के हिसाब से ये मैं यहाँ पे दूंगा। तो रेड में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे नॉर्मल वाले में इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सेलेक्टेड इंडिकेटर जो मतलब कि जो सेलेक्टेड कलर होगा उसी को आप लोगों को दे देना है। तो रेड कलर मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिसोर्सेस में और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक स्टाइल्स नेम से जो है एक एक्सएमएल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल्स में एक्सएमएल क्रिएट कर लिए। उसके बाद चलेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, ठीक है। या लिंक भी डायरेक्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं या यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे हैशटैग मटेरियल, उसके बाद ये जो है स्पेस वाला, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद 2। यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे तो जो है आप लोग को, मेरा नेटवर्क जो है बहुत स्लो चल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये वाला थंबनेल है, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि ये कोड लिंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कोड लिंक पे और इसको क्या करेंगे कि हम लोग जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को फॉन्ट रखना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग आईडी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ओपन सेंस बोल्ड लिखा हुआ है ना, इसको चेंज कर सकते हैं। या अगर आप लोग को फॉन्ट ऐड नहीं करना है तो जो पूरा कोड है यहाँ से आइटम से लेके और यहाँ यहाँ आइटम तक, ठीक है, इसको आप लोग जो है कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे रखना है फॉन्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉन्ट को रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नया एक्सएमएल क्रिएट करेंगे फॉन्ट का, ठीक है। एक्सएमएल नहीं, फाइल्स क्रिएट करेंगे फॉन्ट का और इस पर क्या करेंगे कि हम लोग जो है फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं फॉन्ट सेलेक्ट, ठीक से देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपन सेंस फोल्ड यहाँ पे नेम है, रीनेम करके आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा डॉट के पहले वाला, ठीक है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं, बोल्ड तक कॉपी करेंगे, डॉट के बाद वाला कॉपी नहीं करेंगे। वैल्यूज में जाएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे और जो है यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो मतलब सेम ही है, पेस्ट करने का कोई काम नहीं है। तो सेम है तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रन करके दिखा देते हैं आप लोग को, एकदम प्रॉपर जो है काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इनेबल कर लीजिएगा लाइब्रेरी को, ठीक है, तब आप लोग का काम करेगा, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। तो आशा हो कि आप लोग इंस्टा पे DM करें और एक ही बार में मैसेज आता है इंस्टा पे, तक आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मुझे एप्लीकेशन बनवाना है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आता है तो मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जावा कंपाइल कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है देखने के लिए मिलेगा। और जो है जिस टाइप से भी आप लोगों को वीडियो चाहिए, वीडियो जिस टाइप से चाहिए कमेंट कीजिए, मैं उस टाइप से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको रन होने देते हैं। तो यहाँ पर रन हो चुका है, तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको। इंस्टॉल आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे स्कैन करें, तो स्कैन पे क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए, डन पे क्लिक कर दीजिए, फिर से यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके आपके में इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, इस टाइप से कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाके प्रोटेक्ट वाला बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का काम करेगा और इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है टैब बन गया, और जो भी हम लोग रिपल भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो ऐड किए थे फ़ॉन्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।